जो पेंसिल का लीड है, पेंसिल के लीड को हम इस तरह से इसमें दोनों के बीच में लगाएंगे, दोनों के बीच में लगा के देखते हैं क्या होता है। ये देखो किस तरह से धुआं निकल रहा है, और ये देखो कितना लाल हो गया, आपको दिख पा रहा होगा, ये देखो कितना लाल दिख रहा है। ओ गॉड, ये तो बहुत ही ज़्यादा लाल हो गया है, देखो कितना ज़्यादा लाल हो गया, इससे धुआं भी निकल रहा है, आपको दिख पा रहा होगा। देखो जैसे मैंने इसे हटाया, देखो ये पूरा लाल कैसे दिख रहा है, ये देखो कितना रेड हो गया, ये पूरा रोशनी देने लगा, ये तो बल्ब के जैसे, जैसे 100 वाट का बल्ब होता है जिस तरह से रोशनी देता है, उस तरह से ये देख रहे हो, ये उस तरह से रोशनी दे रहा है 100 वाट के बल्ब के जैसे। देखो कितना ज़्यादा रोशनी, एकदम पूरा रोशनी दिख रहा है मुझे, पूरा लाल हो गया है, आपको दिख पा रहा होगा कितना ज़्यादा लाल हो गया है। देखो इतना ज़्यादा लाल हो गया कि आपको कैमरे में इफेक्ट दिख रहा होगा, रोशनी का इफेक्ट दिख रहा होगा। देखो फिर से इसमें लगाता हूँ मैं, ये देखो ऐसा लग रहा है कि ये बल्ब जलाया है मैंने, 100 वाट का, 100 वाट का बल्ब की तरह ये रोशनी कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा रोशनी कर रहा है, अभी टूटने वाला है, मेरे ख्याल से अभी टूट जाएगा, ये टूटने वाला है, अभी तक नहीं टूटा, ये देखो बीच से पतला हो गया है फिर भी अभी तक नहीं टूटा ये, अब कुछ एक दो बार और लगाऊंगा तो ये हो सकता है टूट जाए, देखो टूट गया, मैंने क्या बोला, देखो कितना पतला हो गया ये पेंसिल जो है, पेंसिल का निप, ये देख पा रहोगे ये कितना पतला, ओ शिट, ये तो गर्म है। अब क्या करेंगे हम, ये जो वायर लिया हमने, इस वायर को लगाएंगे हम, इस वायर को दोनों कनेक्टर के बीच में लगाएंगे, दोनों क्लिप के बीच में, एक साइड हमने इसे लगा दिया इस तरह से, और दूसरे साइड हम क्या करेंगे, इस जो क्रोकोडाइल क्लिप है इसको लगाएंगे हम। देखो दोनों हमें बीच में लगाते हैं, तो देखो ये वायर भी कितना लाल हो गया, आपको इस बात का पता चलेगा, जैसे कि मैं इसके ऊपर अगर एक कुछ पेपर रखूँ मैं, देखो देखो तुरंत जल गया, जैसे ही मैं इस पे लगा रहा हूँ ये देखो बीच में इस तरह से, आपको नीचे से लगा के दिखाता हूँ, ये देखो देख पा रहे हो आप, इस तरह से ये इतना गर्म है कि बीच में ही, ये इतना गर्म है कि इससे हम हीटर बना सकते हैं, और मैं ऑलरेडी इससे एक हीटर बना के मैं दिखाया भी हूँ, एक वीडियो में मैंने इससे हीटर बना के दिखाया है, इस वायर से हम किस तरह से हीटर बना सकते हैं, सोलर से चलने वाला रूम हीटर मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ, एक वीडियो में अपलोड कर रखा हूँ, अगर नहीं देखे हो तो उस वीडियो को भी देखना। तो ये अभी हमने देखा कि ये एक्सपेरिमेंट में ये भी इतना ज़्यादा गर्म हो गया, ये इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि ये हीट दे रहा है यहाँ तक, मैं टच नहीं कर पाऊँगा इसे, क्योंकि टच कर रहा हूँ तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये बहुत गर्म है, जला देगा ये, देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा ये हीट हो चुका है, बहुत गर्म हो चुका है, इसे मैं छोड़ता हूँ इस तरह से। तो आज आपने देखा ये एक्सपेरिमेंट, तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट हम मैं लाता रहता हूँ, सोलर का वीडियो जो है इस तरह से आता रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।